हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में ओ ए सी बी केंद्र ओ वाले त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं कि ओ ए सी बी एक चतुर्थांश है जिसमें रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और ओ डी दिया गया है 2 सेंटीमीटर। जो चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसा कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्षेत्रफल फाइंड करना है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। ओ ए सी बी का है, ओ ए सी बी मतलब पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप इसे चतुर्थांश बोले या त्रिज्यखंड बोले, बात सेम ही है। ठीक है, तो जो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद बात करें थीटा गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश है 90 डिग्री का होगा, और ओडी गिवन है 2 सेंटीमीटर का। ओडी गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले पार्ट को फाइंड करते हैं। पहला है चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्थांश ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला क्या है चतुर्थांश का, चतुर्थांश बोले या त्रिज्यखंड बोले, बात सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, रेडियस की बात करें क्या है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा की बात करें 90/360, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 होता है, 7 से कट करेंगे तो 7 5 जा मतलब 0.5 कट करके आ गया। 22 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3.5/4। 22 को 5 से किए तो 11 और उसके बाद 3.5/4, पॉइंट हटेगा क्या होगा, 0। ठीक है, 5 से कट करेंगे, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट पार्ट को फाइंड किया है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो पेंट किया गया पार्ट है उसे मुझे फाइंड करना है। तो दूसरा पार्ट है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, क्या करेंगे, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी तो मैंने फाइंड किया है 77/8, तो क्या करेंगे, यही पुट कर देंगे 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुने ऊंचाई। तो अगर मैं बात करूं आधार की तो 3.5 है और अगर हाइट की बात करूं तो 2 सेंटीमीटर, जो कि दिया गया है ओडी 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 77/8 माइनस 1/2 इंटू 3.5 इंटू हाइट क्या है 2। तो अगर मैं इसका पॉइंट कैंसिल कर दूं तो क्या हो जाएगा 10, 5 से कट कर दूं तो 5 7 जा 5 2 जा, तो क्या आ गया 77/8। तो लिखेंगे 77/8 माइनस 1/2 इंटू 7/2 इंटू 2, ये होगा। इसके बाद क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, लिखेंगे 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये आ गया 77/8 माइनस 7 1 जा 7/2। जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 8 एलसीएम आएगा तो 77 वैसे ही रहेगा, 2 4 जा 8 तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, और जब इस दोनों को माइनस कर देंगे तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर
आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।